जी राधे राधे जी, जय कृष्णा। कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स? तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम जो है रिब बैंड में फॉल नेक बना लेते हैं। इसी सा पैटर्न है, तो स्टार्ट करते हैं इसी से स्टेप में। डियर्स फ्रेंड्स, आ जाइए यहाँ पर। हम देखिए, हमेशा हर बारी में जब भी फोल्ड नेक बनाते हैं तो बी शेप की कटिंग करते हैं, ठीक है ना। तो हमने करना क्या है यहाँ पर, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर अब हमने जो है ज़ीरो देखते हुए, आपने जो यहाँ पर पहले फाइव, ध्यान से आपने जो है देखना है और लिख लेना है। पहले फाइव फंदों को हम लेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद हम थ्री फंदों को लेस करेंगे और उसके बाद फिर से हम थ्री को करेंगे, ठीक है। और उसके बाद टू को करेंगे, है ना। तो देख लिए कितने, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13। तो ये शेप जो है, जिस तरह के यहाँ पर फंदे हैं, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं, इस साइड में कर रहे हैं राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट में भी इसी तरह से करते हुए जाना है। और उसके बाद अभी बेबी हमारा अभी छोटा है, 10-12 साल का है, ठीक है, तो आर्म होल भी हमारे कम रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने, ठीक है, हर फोर रो में एक एक फंदे को हमने जो लेस करते हुए जाना है। तो चलिए टक बटन का यूज़ कीजिए और इस तरह से, फिर मैं आपको पिनअप करना बताऊंगी कि फोल्ड नेक को किस तरह से जो है स्टिच किया जाता है। फ्रेंड्स, इस तरह से ये 7 इंचेस, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जैसे मैंने आपको बता दिया था, दोनों साइड सेम, ठीक है ना। उसके बाद आपने हर फोर रो में यहाँ पर एक एक फंदा लेस होगा आपका 40 रो तक, ठीक है। उसके बाद 10 रोज, उसके बाद जो 10 रोज होगी ना मेरी, वो प्लेन होगी। और बैक पल्ला मैं इसमें साथ में ही बनाने जा रही हूँ क्योंकि इजी स्टेप है, ठीक है। बैक पल्ले की ट्रिक मैंने आपसे कई बार शेयर की हुई है, इसके लिए आपने जो है बैक स्टूडियो में जाना नहीं मिलती, तो व्हाट्सएप में जो है आपने हुड्स के बारे में, हुडी जो मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है ना, ठीक है। तो जितने भी फंदे ना, बहुत आसान तरीका है, जितने भी फंदे हमने इसमें मतलब लेस की होते उन्हीं को उठाना होता है, ठीक है। ये फ्रेंड्स, फर्स्ट रो लेने के लिए सभी फंदों को हमने जो है आगे की ओर करना है। और अब हमने फ्रंट पल्ले के हिसाब से हमने जो है सेम रो लगानी है। उसके बाद जितने फंदे हमने लेस किए होते हैं ना, उतने ही हमने उठाने होते हैं, ठीक है। ये फ्रेंड्स, यहाँ पर क्लियर कर लेती हूँ, यदि आप मेंस बॉयज़ के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर जो आपका मफलर नेक बनेगा ना, तो फंदे ज़्यादा रहेंगे। बेबी अभी छोटा है तो कम फंदे रहेंगे, अभी मैंने इसमें 80 फंदे लगाए हुए हैं, ठीक है। और आपने फिर से दोबारा से क्या करना है, इसे माप कैसे करना है, आपने जो है जहाँ से मैंने वी शेप की कटिंग बताई है ना, ठीक है, वहाँ फ्रंट से लेकर फिर बैक से फिर फ्रंट की ओर आना है। और आपने सेम बने तो आपने रो काउंटर का भी याद रखना है, कितनी रो में ये कंप्लीट होता है, ठीक है। तो चलिए इजी से वे में राइट एंड लेफ्ट करते हुए जाना है और ब्यूटीफुल पैटर्न को हमने जो है रेडी करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं घटाने का तरीका बता लेती हूँ ना, तो मैक्सिमम सीज क्या करती है, घटाने के लिए जो ये खाड़ी नीडल्स रहती है ना, खाड़ी नीडल्स इसमें डालती है, तो आप इसमें भी डाल सकते हो और आप इसमें भी, ठीक है। पर मैं इसमें कुछ डिफरेंट कर रही हूँ, आप चाहो तो बाद में भी कर सकते हो। यहाँ पर ना एक्चुअली जब हम घटाते हैं तो थोड़ी सी रेव आती है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, जिस तरह से मैंने ये किया है ना, आपने एक फंदा इस तरह से देखिए, ये उल्टा वाला, चाहे आप नीचे वाले बेड का चाहे ये ऊपर वाले बेड का, तो आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ से निकाल के यहाँ पर आपने ट्रांसफ़र कर लेना है, ठीक है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, जो नीचे वाला है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से फिर सभी को लेस करते हुए जाना है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से, अब एडजस्ट करके दिखाऊंगी, ठीक है, मैं आपको, है ना। तो इस तरह से अगर आपने ना नीचे वाला फंदा है तो इसे भी आप दाएं बाएं भी कर सकते हो और इसे इस तरह से, ठीक है। तो इसके लिए आपने बेड को थोड़ा सा नीचे की ओर खिसका देना है, ठीक है, डाउन कर देना है। देन अब नीचे वाले ऊपर में ट्रांसफ़र होकर पूरे के पूरे हमारे लेस हो जाएंगे, है ना। डियर स्टूडेंट्स, देखिए परफेक्ट यहाँ पर हमारा जो है मफलर कॉलर बोल दीजिए, फोल्ड नेक बोल दीजिए, रेडी होता है, ठीक है। साथ में
आप चाहते हो कि इसे सुई द्वारा बंद करना, तो सुई द्वारा भी बंद कर सकते हो। ऐसे ही ट्रिक सीखने के लिए आपने मेरी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना है, और मात्र फीस मैंने जो है 1000 रुपीज़ रखी हुई है, ठीक है। तो चलिए अभी जस्ट क्या करना है, आपने सब के सब लेस करते हुए जाइए इसी वे में, ठीक है। तो फिर मैं आपको स्टिचिंग करने का तरीका बताती हूँ कि किस तरह से इसे जो है स्वेटर में अटैच किया जाएगा। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर घटाने का तरीका मैंने आपको बता दिया था ना, देखिए इस तरह से। अब मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड रखना है, ठीक है, आपको पता लग जाएगा ये उल्टी साइड आएगी। अब हमने यहाँ पर देखिए इसका हाफ लेना है, ठीक है। हाफ पोर्शन को हमने यहाँ पर इस तरह की गुलाई से, जो मैंने यहाँ की गुलाई और यहाँ की गुलाई दी है, तो यहाँ पर स्टिच करते हुए जाना है, ठीक है। और आपने स्टिचिंग कैसे करनी है, आपने यहाँ पर सुई द्वारा, नीडल द्वारा ऊपर वाली साइड से, ठीक है, स्टिच करते हुए जाना है, ठीक है। अब आ जाइए ये वाला पोर्शन जो ऊपर वाला है, ये इसका यहाँ वाले पोर्शन में अटैच होगा, इसके निचली तरफ अंदरली वे साइड में हाफ इसका। तो चलिए मैं स्टिच करके आपको दिखा देती हूँ, ठीक है।